केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लोकसभा चुनावों में विदेशी ताकतों की दखल रही है। यह सच है कि हमारे विरोधियों में विदेशी ताकतें शामिल हैं, जो चाहते हैं कि देश में किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना रहे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जयपुर में प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व को लेकर कुछ विपक्षी दलों का दृष्टिकोण भ्रांतिपूर्ण है। उन्होंने कार्यक्रम में नसीहत दी कि हमारा कार्यकर्ता नींव का पत्थर है, वह जितना मजबूत होगा पार्टी उतनी ही मजबूत होगी। सरकार के काम को भी हर व्यक्ति तक ले जाएं और अपने विचार को भी नीचे तक फैलाएं, ताकि एक वैभवशाली गौरवशाली संपन्न समृद्ध भारत का निर्माण और समृद्ध और विकसित राजस्थान का निर्माण हो सके। इसके लिए आप सबको मैं आज आह्वान करने आया हूं। इसके लिए अपने आप को समर्पित करें। मित्रों, याद रखो, हम केवल सत्ता के लिए नहीं है, हम है देश बनाने के लिए, हम है जनता की सेवा के लिए। जनता की सेवा ही हमारे लिए भगवान की पूजा है। इस काम को आप सब पूरा करें। सब तैयार है ना, तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी। सरकार के काम भी नीचे ले जाएंगे, विचार को भी नीचे तक ले जाएंगे और हमारी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। राजस्थान जीता है फिर जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से एक महान भारत के निर्माण में अपना सहयोग देंगे। बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के नागरिकों को न्याय देना था, इसलिए वो भारतीय न्याय संहिता लेकर आए हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव कराने का काम कांग्रेस ने किया था, जिसको हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से संबंधित तीन महत्वपूर्ण कानूनों में जो बदलाव किया है और विकसित भारत बनाने के लिए किया है, नागरिकों की सुविधाओं के लिए किया है, इसलिए हम नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जब एक कार्यकर्ता किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है तो किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन और डेवलपमेंट का बजट पेश किया जाता है, ये लोगों ने राजस्थान में देखा है। हम देश की जनता का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। पिछले दो वर्षों के कार्यकाल में, जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी, तो भारत दुनिया की पांच डगमगाती अर्थव्यवस्थाओं में था, लेकिन आज भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है।